हेलो स्टूडेंट्स, बच्चों आज का जो हमारा टॉपिक है वो ऑक्सिन हार्मोन के ऊपर है। प्रीवियस क्लास में मैंने आपको हार्मोन्स के अंदर दो प्रकार के हार्मोन्स बताए थे। दो प्रकार के हार्मोन्स कौन कौन से हैं? प्लांट ग्रोथ हार्मोन्स और प्लांट ग्रोथ इनहिबिटर हार्मोन्स। ठीक है, एक वे हार्मोन्स जो प्लांट की ग्रोथ को कंट्रोल करते हैं, प्लांट की ग्रोथ को प्रमोट करने का काम करते हैं या प्लांट की ग्रोथ को बढ़ाने का काम करते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार के हार्मोन क्या कहलाते हैं? प्लांट ग्रोथ हार्मोन्स। और कुछ हार्मोन्स ऐसे भी हैं जो प्लांट की ग्रोथ को इनहिबिट, रोकने का या संदमित करने का काम भी करते हैं। तो इस प्रकार के हार्मोन्स क्या कहलाते हैं? प्लांट ग्रोथ इनहिबिटर हार्मोन्स। ठीक है, तो प्लांट ग्रोथ प्रोमोटिंग हार्मोन्स या प्लांट ग्रोथ हार्मोन्स जो हैं, जैसे ऑक्सिन है, जैसे जिब्रेलिन है, जैसे साइटोकाइनिन है, जैसे इथिलिन है, और प्लांट की ग्रोथ को रोकने वाले जो हार्मोन है एब्सिसिक एसिड। ठीक है, तो एक एक करके इनको आज अपने एक्सप्लेन करेंगे। तो सबसे पहले प्लांट ग्रोथ हार्मोन के अंदर जो सबसे पहले जो हार्मोन आता है वो आता है ऑक्सिन हार्मोन। बच्चों ऑक्सिन हार्मोन जिब्रेलिन, साइटोकाइनिन और इथिलिन, इनकी तुलना में ऑक्सिन हार्मोन के ऊपर सबसे ज़्यादा अध्ययन हुआ है। ठीक है, तो ऑक्सिन हार्मोन के बारे में अपने देखें तो सबसे पहले जो ऑक्सिन हार्मोन है, जो प्लांट ग्रोथ ऑक्सिन हार्मोन है, इट इज डिस्कवर्ड बाय एफ डब्ल्यू वेंट। एक साइंटिस्ट था एफ डब्ल्यू वेंट, सबसे पहले प्लांट बॉडी के अंदर ऑक्सिन की उपस्थिति का एफ डब्ल्यू वेंट ने पता लगाया। ठीक है, इसने क्या कहा कि नेचुरली रूप से प्लांट की प्लांट बॉडी है उसके अंदर एक ऐसा हार्मोन होता है जो प्लांट की ग्रोथ को कंट्रोल करने का काम करता है। ये एक नेचुरल प्रकार का हार्मोन्स है और इसको अपने क्या बोलते हैं? ऑक्सिन हार्मोन्स। और पता एफ डब्ल्यू वेंट ने किस आधार पर पता लगाया? इन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया, इन्होंने ओट जई के पौधे पर एक्सपेरिमेंट किया और उस एक्सपेरिमेंट का नाम क्या है? एविना कर्वेचर टेस्ट। उसको क्या बोलते हैं? एविना कर्वेचर टेस्ट। ठीक है, और इस टेस्ट की, इस एक्सपेरिमेंट की हेल्प से ऑक्सिन का जैव अमापन भी किया जा सकता है। बच्चों इसके बाद एफ डब्ल्यू वेंट के बाद कई और साइंटिस्ट थे, जैसे एक डच साइंटिस्ट है कॉगल एंड हैगन स्मिथ ने 1931 के अंदर, ठीक है, पेलाग्रा रोगी के यूरिन से एक एक्टिव सब्सटेंस, एक शुद्ध क्रिस्टलीय प्रकार का जो सब्सटेंस है उसको आइसोलेट किया, पृथक्करण किया। ठीक है, और उसने क्या कहा? ऑक्सिन ए नाम दिया उस हार्मोन को। अपने क्या नाम दिया इन्होंने? ऑक्सिन ए नाम दिया। इसका जो दूसरा नाम है ऑक्सिन ए हार्मोन का, दूसरा जो नाम है वो है ऑक्सिनोट्रायोलिक एसिड, जिसका केमिकल जो फॉर्मूला है वो C18H32 और ऑक्सीजन इसमें है 5। ये इसका केमिकल फॉर्मूला है। ठीक है, जो ऑक्सिन ए हार्मोन है कॉगल हैगन स्मिथ ने 1931 के अंदर ऑक्सिन ए हार्मोन को पेलाग्रा रोग से ग्रसित रोगी के यूरिन से, पेशाब यानी यूरिन से इसको आइसोलेट किया और ऑक्सिन ए इसका नाम दिया। इसी वे में इन्होंने जो मक्का का जर्म तेल है, कॉर्न जर्म जो ऑयल है, वहाँ से भी एक अन्य प्रकार का हार्मोन को आइसोलेट किया और उसका नाम क्या दिया? ऑक्सिन बी। इसको अपने क्या बोलते हैं? ऑक्सिनोलोनिक एसिड, और केमिकल इसका फॉर्मूला है C18H30 और ऑक्सीजन इसमें क्या है? 4। ठीक है, अब इसी प्रकार दोबारा कॉगल एंड हैगन स्मिथ ने 1934 के अंदर ह्यूमन के यूरिन से एक और ऑक्सिन हार्मोन प्राप्त किया और उसका नाम उन्होंने क्या रखा? हेट्रोऑक्सिन। क्या नाम रखा? हेट्रोऑक्सिन। हेट्रोऑक्सिन को इंडोल एसिटिक एसिड, शॉर्टकट में इसको IAA के नाम से जाना जाता है, इंडोल एसिटिक एसिड, और इसका जो केमिकल फॉर्मूला है वो C10
H9 और ऑक्सीजन 2 और नाइट्रोजन, ये इसका केमिकल फॉर्मूला है। बच्चों यहाँ पर ऑक्सीजन ए और ऑक्सीजन बी दोनों की जो प्रेजेंस है प्लांट बॉडी के अंदर, ऑक्सीजन ए और ऑक्सीजन बी दोनों की जो प्रेजेंस है वो डाउटफुल है, लेकिन नेचुरल रूप से हेट्रोऑक्सीजन है इसके ऊपर, इसको क्या है, इसकी जो प्रेजेंस है वो आसानी से इसके ऊपर प्रयोग किए गए। तो ऑक्सीजन ए और ऑक्सीजन बी की तुलना में जो नेचुरल प्रकार का जो ऑक्सीजन हार्मोन है वो हेट्रोऑक्सीजन है, जिसकी उपस्थिति का पता लगाया गया, आसानी से इसकी उपस्थिति का पता लगाया गया। बच्चों जो ऑक्सीजन हार्मोन है इसका जो जैव संश्लेषण है, ठीक है, वो किसकी हेल्प से होता है, ट्रिप्टोफान एमिनो एसिड। कई बार छोटे क्वेश्चन में पूछ लेते हैं कि ऑक्सीजन हार्मोन का जैव संश्लेषण कैसे होता है, तो इसका जो जैव संश्लेषण है वो ट्रिप्टोफान एमिनो एसिड से होता है। ठीक है बच्चों, यहाँ पर हेट्रोऑक्सीजन जो नेचुरल प्रकार का ऑक्सीजन हार्मोन है, हेट्रोऑक्सीजन या इंडोल एसिटिक एसिड, अगर उसकी स्ट्रक्चर देखें तो उसकी जो केमिकल जो स्ट्रक्चर है वो लगभग इस प्रकार की है। ठीक है, ये है एक नेचुरल ऑक्सीजन हार्मोन, इंडोल 3 एसिटिक एसिड के नाम से भी यह जाना जाता है। बच्चों इसके अलावा ऐसे केमिकल, बहुत सारे ऐसे भी केमिकल्स हैं जो ऑक्सीजन की भांति काम करने का काम करते हैं। ठीक है, तो उनको अपने क्या बोलते हैं, सिंथेटिक ऑक्सीजन हार्मोन। नेक्स्ट लेक्चर में अपने सिंथेटिक ऑक्सीजन हार्मोन्स के बारे में बात करेंगे और इनके जो नेचुरल और सिंथेटिक जो ऑक्सीजन हार्मोन्स हैं प्लांट बॉडी के ऊपर, इनके क्या क्या एप्लीकेशन हो सकते हैं, इनके क्या क्या यूज हो सकते हैं, क्या क्या प्रयोग हो सकते हैं, वन बाई वन करके उनको अपने स्टडी करेंगे। तो ये था बच्चों ऑक्सीजन हार्मोन की हिस्ट्री।